Shivsena leader Sanjay Raut has made a direct threat to the BJP, has threatened to break the alliance. So, arm-twisting tactics by NDA ally Shiv Sena MP and senior leader Sanjay Raut making a direct threat to the BJP. Let's listen in. The relationship between the Shiv Sena and the BJP has not been very cordial in the 3 years that they have been here sharing power in both the centre and the state. And we have with us Sanjay Raut. You have indicated in a tweet just some time ago that the Shiv Sena is close to a decision about whether or not to stay in the government. Would you elaborate? What do you mean by that? Party ki meeting ho gayi. Party ke sabhi vidhayak, all MLAs, all MPs, all leaders मातोश्री पे आए थे. पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब भी थे, जिसने बाद में मार्गदर्शन किया, सब लोगों की राय ली. एक तो देश में, स्टेट में महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब कुछ उध्वस्त हो गया, लोगों का जीवन, किसानों का भी ऋण मुक्ति का अब तक को विषय खत्म नहीं हो रहा है. जनता के मन में, लोगों के मन में एक निराशा और नाराजगी है, एक प्रकार से उनके मन में एक चीड़ है लोग सरकार के खिलाफ. तो हम मानते हैं कि सरकार में हम जरूर है, लेकिन सरकार हमारी नहीं है. ये सरकार पूरी तरह से बीजेपी की है, तो लोग हम पे भी नाराज हैं. लोग हमसे उम्मीद करते हैं आप सरकार में, हम कुछ नहीं कर सकते. तो इस बारे में सभी हमारे विधायक जो सांसद हैं, सभी ने चर्चा की, अपनी अपनी राय दी है. उद्धव जी ने मार्गदर्शन किया है और जो निर्णय उद्धव जी लेने वाले हैं जल्द ही, उस बारे में सबको, सबने कहा है कि यस, आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं. आज लोगों की भावना भी ऐसी है कि शिवसेना सरकार में क्यों है. अगर हमेशा सभी मुद्दे महंगाई से होकर किसानों तक, हम हमेशा एक हमारी भूमिका रही है, शायद सरकार के खिलाफ हो सकती है, लेकिन वो जनता की भूमिका है. तो हम उस निर्णय के अब नज़दीक आ चुके हैं जो निर्णय हमें लेना चाहिए. ज़रूर आज के मीटिंग बहुत निर्णायक रही. हमारे MLAs भी कहते थे कि हम सरकार में हैं, लेकिन हम इतने MLA हैं, हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है. जानबूझकर शिवसेना के विधायकों का काम कैसा न हो, इस तरह से सरकार काम करती है, बीजेपी काम करती है, तो ऐसे सरकार में रहने से मतलब क्या है. वो बोझ बन गए, सरकार का बोझ हम पर है, हम काम नहीं कर सकते, लोगों की अपेक्षा हमसे है. तो इससे अच्छा है कि हम जो हमारा पुराना काम है, अपोजिशन में रहकर प्रेशर बना रहे सरकार के ऊपर, काम करते रहे, वो ठीक है. उद्धव जी ने सबकी बात सुन ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है अंदर, पार्टी के अंदर. उस बारे में आगे क्या होता आप देख लेंगे अभी.